पीएम मोदी ने इस साल के अपने आखिरी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को किया याद। कहा, वरुण सिंह ने दिया औसत से असाधारण बनने का मंत्र, पूरे समाज को दिया संदेश। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला, इसकी बात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे का किया जिक्र। पीएम ने कहा, इस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी हमें छोड़कर चले गए। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना के नए वेरिएंट से रहना होगा सावधान। ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी। नए साल को बेहतर बनाने का ले संकल्प। सामूहिक शक्ति ही कोरोना को हराएगी। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर दिया बयान। कहा, 140 करोड़ के पार वैक्सीनेशन, हर एक भारतवासी की बड़ी उपलब्धि, भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। पीएम ने कहा, बुक रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बने, इसके लिए मिलकर कोशिश करें। जनता से अपील की कि सभी उन 5 किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हो। इस तरह से 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में मदद मिलेगी।